नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, उसी प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने CSS के अंदर REM और EM के बारे में समझा था, उसके डिफरेंस के बारे में समझा था कि दोनों को हमको कहाँ पर यूज़ में करना चाहिए एज ए वेबसाइट के अंदर। और आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक डिव है, उस डिव की मुझे अगर शेडो वगैरह देना है, या किसी भी एलिमेंट के अगर मुझे शेडो वगैरह देना है, किसी भी टेक्स्ट के अगर मुझे शेडो देना है, दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। कैसे हम शेडो प्रॉपर्टी हम किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो, ये दोनों कैसे हम हमारे HTML के किसी भी एलिमेंट पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ, कि क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है कि बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से उसके सिंटैक्स होते हैं। तो दोस्तों, आइए मूव करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे CSS के बॉक्स शेडो के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे CSS के टेक्स्ट शेडो के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। तो उसके शॉर्टकट ट्रिक के बारे में अगर आपको समझना है, तो पहले मेरे जो वीडियो को इसको आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं लास्ट में मैं आपको इसकी बहुत शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं CSS का जो बॉक्स शेडो होता है, इसकी छोटी सी मैंने डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है। द बॉक्स शेडो इज यूज्ड टू ऐड शेडो ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अगर मुझे शेडो ऐड करना है, तो उसके लिए मैं बॉक्स शेडो नाम की जो प्रॉपर्टी, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब चूंकि जनरली दोस्तों, सबसे पहले हमको इसके सिंटेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो आपको यहाँ पे बॉक्स शेडो लिखना पड़ेगा। जो पहला कोऑर्डिनेट रहता है वो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट रहता है, उसके बाद वर्टिकल ऑफसेट रहता है, उसके बाद ब्लर रहता है, स्प्लिट कलर रहता है। ये चार जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये चार जो इसकी वैल्यू है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद ब्लर करना है, उसके बाद स्प्लिट कलर करना है, ठीक है। जो भी कलर हमको करना है, उसके बाद स्प्लिट आएगा और उसके बाद आएगा हमारा कलर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ब्लर रेडियस भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, इसको ब्लर रेडियस बोलते हैं। उसके बाद स्प्लिट का आएगा, स्प्लिट आएगा, है ना, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे कलर आएगा, ठीक है। तो यही के यही कंसेप्ट हमारा टेक्स्ट शेडो में भी होता है। बस टेक्स्ट शेडो की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंजेस है कि द टेक्स्ट शेडो इज यूज्ड टू ऐड शेडो टू द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट पे अगर आपको शेडो ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट शेडो का आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसमें भी जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी जो वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल शेडो है ना, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्पेस आएगा, वर्टिकल स्पेस आती है, या शेडो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको हॉरिजॉन्टल शेडो भी बोल सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लर रेडियस, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे कलर आता है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट जो प्रॉपर्टी थी, ऊपर जो वैल्यू थी, उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे हम किसी भी बॉक्स की हम शेडो दे सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट पे हम शेडो कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकली पार्ट पे। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो को, जो हमारा एडिटर है। यहाँ पे हम जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेते हैं, CSS ट्यूटोरियल फाइल नंबर। मैंने 15 तक ट्यूटोरियल अभी तक बना दिए हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी वीडियो को अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे एक पिंग कर देना, मुझे ईमेल आईडी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आपके ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना। विद इन 24 आवर्स के अंदर जो भी वीडियो का आपको सोर्स कोड चाहिए, वो वीडियो का सोर्स कोड मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने फाइल बना ली है। यहाँ पे जल्दी से हम टेम्पलेट ऐड कर देते हैं HTML की, ठीक है। यहाँ पे हम उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स शेडो की, चूँकि मैं यहाँ पे दोनों को एक ही प्रोग्राम के अंदर समझाने वाला हूँ। बॉक्स शेडो एंड आएगा हमारा टेक्स्ट शेडो, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंटेंट एड करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे डिव डॉट बॉक्स करके मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे मिनिमम दो डिव लेऊँगा, या एक डिव से भी हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो उसकी क्लास दे दी है, मैंने यहाँ पर आइटम क्लास दे दी है, ठीक है।
ये आइटम क्लास को मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो दो मैंने यहाँ पे ड्यू बना रखे हैं। पहला जो मेरा ड्यू है यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज आइटम वन, दिस इज आइटम वन, और लास्ट में जो सेकंड वाले ड्यू पे भी हम यहाँ पे एक टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं, दिस इज आइटम टू। ठीक है, हम भी अभी हमको एक टेक्स्ट वगैरह पे कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई नहीं करनी है। अभी हम जनरली हम सबसे पहले जो हमारा डिव है, जो हमारा एलिमेंट है, उसकी शेडो को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल के अंदर सबसे पहले जो इसका पेरेंट कौन है, हमारा बॉक्स है। तो बॉक्स की दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्स के मैं यहाँ पे विथ सेट कर देता हूँ। बॉक्स के मैंने यहाँ पे विथ दे दिए, जो बॉक्स की मुझे विथ देने की जरूरत नहीं है। बॉक्स की सिंपल से मैं यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर कर दी मैंने यहाँ पे इसकी 2 पिक्सल। सॉलिड और कलर चेक कर दे, कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसका रेड। ठीक है, अब इसके अंदर चूंकि मैंने दो डिव बना रखे, दोनों पे मैंने सेम क्लास दे रखी है। ठीक है, दोनों पे मैंने सेम क्लास दे रखी, तो मुझे यहाँ पे एक ही बार क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। बॉक्स की सबसे पहले हम विथ सेट कर देते हैं। बॉक्स की मैंने विथ सेट कर दी यहाँ पे 250 पिक्सल, सफिशेंट होगा। हाइट भी सेट कर देते हैं, हाइट भी कितनी सेट कर दी मैंने यहाँ पे 250 पिक्सल। ठीक है, और इसका मैं बॉर्डर कलर दे देता हूँ, इसकी भी मुझे बॉर्डर देना पड़ेगी। बॉर्डर कितनी कर दी मैंने इसकी 2 1 पिक्सल सॉलिड। और मैंने इसका जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर कलर में कुछ भी कर देता हूँ। बॉर्डर कलर सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया है ब्लैक ही रहने दो, चलो ठीक है ना, बाद में अपन इसको चेंज कर लेंगे। ठीक, जब सबसे पहले इसको लाइव सर्वर पे ओपन करके देख लेते हैं कि इसका अभी तक का आउटपुट क्या दिख रहा है। तो आ गए हैं हम हमारे ब्राउजर पे, लाइव सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। ये देख रहे हो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर मैंने दो छोटे छोटे से बॉक्स बना रखे हैं। अब दोनों बॉक्स को मुझे एक के पास में एक लेकर के आना, तो उसके लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। और ये दोस्तों बहुत ही इजी प्रॉपर्टी बनी है सीएसएस ने, ये एडवांस प्रॉपर्टी के अंदर भी आती है। सीएसएस बॉक्स अगर आपने लगा दिया तो आपको फ्लोटिंग और पोजिशनिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, जैसा कि सिंपल सा मैंने यहाँ पे लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा तो उसके जो कंटेंट है, उसके जो चाइल्ड कंटेंट है, उसके चाइल्ड कंटेंट मतलब जो दो जो आपको आइटम करके डिव दिख रहे हैं ना, ये दोनों एक के पास में एक क्या हो जाएंगे यहाँ पे सेट हो चुके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों ड्यू का सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। और दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर भी कर सकता हूँ, तो दोनों कहाँ पे आ जाएंगे सेंटर में, पर मुझे सेंटर में करना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो है। ठीक है, बस मैंने तो आपको जस्ट इसे बताया था कि इसको मैं सेंटर में कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, बैकग्राउंड कलर बहुत ही इजी फॉर्मेट में देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो बैकग्राउंड कलर दे दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इसकी मार्जिन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके सिंपल सा लगाना पड़ेगा उसकी मार्जिन। मार्जिन टॉप और बॉटम से करना है 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से करना पड़ेगा 20 पिक्सल। ठीक है, चलेगा 20 20 पिक्सल का चलेगा। हालांकि मैं चारों, अब मुझे सेम ही देना था तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ही लिख सकता था, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो बॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा मुझे ना और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, टॉप और बॉटम से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 30 पिक्सल 30 पिक्सल कर देते हैं, सफिशियंट रहेगा। ठीक है, चलेगा। अब फ्रेंड्स हमको करना क्या है कि जैसा कि आपको यहाँ पे जो दो डिब्बे दिख रहे हैं ना अंदर, इसके मुझे शेडो देना है। बॉटम में एक शेडो आ जाना चाहिए, राइट में मुझे एक शेडो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शेडो देने के लिए हमको करना क्या होता है, शेडो देने के लिए हमको सिंपल सा करना पड़ेगा बॉक्स शेडो। और जो पहली प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले लिखा भी रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी, कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि जो बॉक्स शेडो रहता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, बॉक्स शेडो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होता है, उसके बाद होता है हमारा वर्टिकल ऑफसेट, उसके बाद होता है हमारा ब्लर रेडियस, ब्लर रेडियस के बाद स्प्रिट, उसके बाद क्या आता है हमारा कलर। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहले तो मुझे देना है वर्टिकल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट कितना करना है मुझे 5 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना करना है मुझे 5 पिक्सल करना है, उसके बाद ब्लर रेडियस
ब्लड रेडियस अभी मैं नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, सिंपल सा मैं क्या देना चाहता हूँ, डायरेक्टली कलर, तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। ब्लर रेडियस और स्पीड दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आगे इसी वीडियो में, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ पे तीन ही कोऑर्डिनेट सेट करा है। पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, दूसरा होता है मेरा वर्टिकल ऑफसेट, और तीसरा जो रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारा कलर रहता है। तो कलर क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, इसका कलर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। कलर आप चाहो तो कोई सा भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हो, तो जैसे कि टोमेटो कलर ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये जो मैं आइटम करके जो मेरा बॉक्स है, इसकी शेडो कितनी आ जाएगी, 5 पिक्सल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सॉरी 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 5 पिक्सल क्या आ जाएगी वर्टिकल, और कलर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे टोमेटो। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो बॉक्स थे मेरे, उन दोनों बॉक्स पे यहाँ पे देखो शेडो वगैरह आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो शेडो वगैरह आई है ना, अब इस शेडो को मैं आपको यहाँ से मैनेज करके बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ आइटम 1 पे, तो आइटम 1 पे आप देख रहे हो कि पहला था मेरा हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या था मेरा वर्टिकल। जैसे मैं यहाँ पे इसकी, अगर मैं यहाँ पे इसके पिक्सल्स वगैरह बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्सल बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये जो मेरा पहला था हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो रहा है मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेरा बढ़ रहा है यहाँ से, और सेकंड क्या था मेरा वर्टिकल। जैसे मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वर्टिकली क्या हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, कौन सी, बॉक्स शेडो पे सबसे पहला हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बाद वर्टिकल आता है, उसके बाद क्या आता है कलर। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी ऑफसेट आ रही ना, जो मेरी शेडो आ रही ना, इसको मुझे थोड़ा सा ब्लर करना है, तो मैं यहाँ पे ब्लर रेडियस दे सकता हूँ, ठीक है। ब्लर रेडियस कैसे हम सेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 और 10 कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो था यहाँ पे, चलो ठीक है, 10 10 कर देते हैं, 10 मेरा वर्टिकली रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा 10 मेरा, और 10 क्या रहेगा मेरा वर्टिकली रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हो, अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी है, थर्ड वैल्यू कौन सी थी मेरी, ब्लर रेडियस। तो ब्लर रेडियस मुझे कितनी करना है, ब्लर रेडियस करना है मुझे यहाँ पे 2 पिक्सल, कितना करना है मुझे 2 पिक्सल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो हमारी बॉक्स शेडो है ना, ये थोड़ी सी ब्लर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से मैनेज करके बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इसको बढ़ाऊंगा ना, जैसे दोस्तों मैं जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे उसकी जो ब्लर रेडियस है वो क्या होती जाती है, ब्लर होती जा रही है। तो अगर आपको ऐसे ब्लर रेडियस वगैरह देना है, तो आप यहाँ पे इसका जो थर्ड वैल्यू है, ब्लर रेडियस बोलते हैं इसको, आप यहाँ पे एज ए इसको आप यहाँ पे एज ए मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके बाद स्प्लिट 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 क्या चीज होती है, चलो ठीक है, स्प्लिट मैंने कर दिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल। स्प्लिट मतलब होता है फैलाना, स्प्रिट मतलब क्या होता है, फैलाना। तो देखो आप यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्प्रिट वगैरह बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। देखो देख रहा हूँ कि जैसे भी जैसे मैं स्प्रिट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो अगर आपको फैलाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे स्प्रिट का आप यहाँ पे इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पर मैंने आपको सारी के सारी वैल्यूज को मैंने आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे इसको ब्लर, मुझे यहाँ पे शेडो नहीं देना है, ठीक है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, स्प्लिट नहीं करना है मुझे यहाँ पे, ब्लर रेडियस देना है, ब्लर रेडियस करना है मुझे यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है। तब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं ना ब्लैक कर देता हूँ, तो ब्लैक से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे ब्लर वगैरह हो गया, ठीक है, और भी बढ़ाना चाहते हो आप यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लर हो चुका है, ठीक, बेटर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपको इसकी शॉर्टेंड प्रॉपर्टी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बॉक्स शेडो के लिए मुझे सारे के सारे कोऑर्डिनेट वगैरह मुझे बार बार मुझे इसको चेक करना पड़ रहा है कि यार ये प्रॉपर्टी सही होगी कि नहीं होगी, मुझे ये वाला ब्लर रेडियस देना है, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि यार ये जो रेडियस वगैरह अगर मुझे देना है ना, ये जो मुझे बॉक्स शेडो देना है, इसको मैं ऑनलाइन लगा सकता हूँ, तो वो कितना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे ऑनलाइन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे आपको सिंपल से प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल सा कि CSS क्या था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CSS मेटिक। जैसे कि आपने CSS मेटिक लिखा ना, CSS मेटिक जैसे आप लिखोगे, आप इंटर मारोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जो पहली लिंक आपको दिख रही है ना csmatic.com वाली वेबसाइट पे, आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ना ऑनलाइन टूल मिलेगा, सिंपल सा आपको कॉपी पेस्ट करना, बाकी कुछ भी ऐसा आपको ज़्यादातर जो कोई हाई लेवल चीज़ आपको करना नहीं, जैसे
यहाँ पे जैसे कि ग्रेडियंट वगैरह दे सकते हैं, बॉक्स रेडियस दे सकते हैं, नोटिव दे सकते हैं, और मुझे क्या देना, नॉइस नॉइस टेक्सचर दे सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे क्या देना, बॉक्स शेडो देना। तो जैसे मैं बॉक्स शेडो पे गया, तो बॉक्स शेडो पे क्या होगा, जैसे कि सपोज उनने ये आर्किटेक्चर बना रखा है, यहाँ पे उन्हें एक एलिमेंट बना रखा है, जैसे कि आपका डीव है, ये आपका डीव है, इस डीव पे जैसे कि ये जो मेरा डीव है आपको दिख रहा है, ये जो मेरा डीव है, ये मेरा डीव है, ये जो दिख रहा है ना आपको कलर में, ये हमारा डीव है। यहाँ पे देखो उसने बॉक्स की शेडो दे रखी, उसने एलिमेंट की क्या दे रखी, शेडो दे रखी। तो अगर मुझे ये कि ये शेडो लगाना है, तो सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है, मुझे पूरा का पूरा कॉपी करना है। अभी आपको देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ आपको, कॉपी करके आपको सिंपली क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जैसे कि आपने कॉपी पेस्ट किया ना, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, चलो कोड फॉर्मेट सेटिंग से कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है मैनेज हो चुका है। अब आप देखना कि यहाँ जो आपकी बॉक्स शेडो थी, वो कि वही बॉक्स शेडो आपकी आपके यहाँ पे भी आ चुकी है, देखा देख रहे हो आप बिल्कुल, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो ये कि ये बॉक्स शेडो क्या आ चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। बट मैं चाहता हूँ कि बॉक्स शेडो को मुझे कम ज़्यादा करना है, तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, जैसा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बढ़ाना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बढ़ जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जैसे बढ़ेगी ना, तो ये जितनी भी वैल्यू है ना अंदर की प्रॉपर्टी की, जो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अगर आपको ये पसंद आ गया है, तो आप पूरा कॉपी करो और अगेन क्या कर दो, आप वहाँ पे पेस्ट करो। जैसे कि आपको वर्टिकली बढ़ाना है, वर्टिकली कम करना है, बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे इसको वर्टिकली भी आप मैनेज वगैरह कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हो। तो ये पूरा ऑनलाइन टूल है, आप यहाँ पे उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार आप यहाँ पे करके देख लेना। जो भी बुक शेडो आपको लेना है, उसका सोर्स कोड यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप सिंपली कॉपी करना और कहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे। दोस्तों इसकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, csismatic.com पे, ठीक है, csismatic.com पे आप जाना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसीलिए इसको ओपन भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये ऑनलाइन टूल जल्दी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम वापस से मूव करते हैं, जैसे कि बॉक्स शेडो तो आपने देख ही लिया, और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि बॉक्स शेडो के अंदर ये आउटर 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 शेडो ऐसे इस एलिमेंट के अंदर इनर भी मैं शेडो दे सकता हूँ। तो इनर शेडो देने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ हमारा अनकमेंट, ठीक है। तो वापस से एज इट इज हमारे जो शेडो पे हम शेडो कलर की शेडो वगैरह दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट के अंदर शेडो आना चाहिए, इनसाइट अंदर अगर मुझे शेडो लाना है, इसको वापस से मैं ना टोमेटो कर देता हूँ, टोमेटो कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे अंदर शेडो लाना है, अंदर शेडो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनसेट, क्या लिखना पड़ेगा इनसेट। जैसे मैंने इनसेट लिखा था, अब देख लो अंदर यहाँ पे शेडो आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था, अगर आपको अंदर शेडो देना है तो आपको इनसेट लिखना पड़ेगा, आपका आउटर अगर आपको शेडो देना है तो यहाँ पे आपको इनसेट को रिमूव कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो की, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट शेडो के बारे में। टेक्स्ट शेडो के बारे में बात करने के लिए मैं आपको इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो मेरा बॉक्स वगैरह था, इसको सबसे पहले तो मैं पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद मुझे इसको भी पूरा कमेंट करना पड़ेगा सीएसएस को, ठीक है। हालांकि ये अप्लाई भी नहीं होगी, ठीक है, बट एक काम करना, एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि H2H1 टैग में यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे H1 टैग ले रखा और यहाँ पर लिख दिया मैंने अपने चैनल का नाम, शानू सर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने शानू सर ट्यूटोरियल्स लिखा, आप देख रहे हो यहाँ पे शानू सर ट्यूटोरियल्स आपको बिल्कुल दिख चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट का मुझे शेडो देना है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसकी स्टाइलिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे H1 लगाना पड़ेगा। H1 पे सबसे पहले तो मैं इसके ना फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको इसकी शेडो वगैरह समझ में आ जाए। फॉन्ट साइज मैंने कर दी इसकी ऑलमोस्ट 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल इनफ रहेगा। 30 पिक्सल तो ऑलरेडी होगा, 40 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है, सफिशियंट रहेगा इतना, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी शेडो देना है, ठीक है, मुझे इसकी क्या देना है, शेडो देना है। इसकी शेडो देने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा टेक्स्ट शेडो। जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शेडो लिखा, टेक्स्ट और क्या लिखना मुझे यहाँ पे शेडो, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट शेडो लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे वही कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेंगे। सबसे पहले होता है मेरा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल शेडो, जिसको मैंने करा यहाँ पे बहुत कम करता हूँ, 2 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। वर्टिकली कितना करना है मुझे, 2 पिक्सल करना है। कलर क्या करना है, ऑलरेडी मेरा कलर क्या है, ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कलर करता हूँ तो आपको समझ में आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी शेडो आ चुकी है। इस टेक्स्ट की कुछ कुछ शेडो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसको आप इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने पे
जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इसकी शेडो वगैरह यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अगर वर्टिकली देना है तो मैं यहाँ पे वर्टिकली भी सेट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे शेडो वगैरह हम इसकी दे सकते हैं। अब इसमें दोस्तों ब्लर का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस भी मुझे कितना करना है, मिनिमम मुझे कितना करना है, 2 पिक्सल। तो यहाँ पे जैसे मैं करूँगा, अब देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो, इसकी जो शेडो है उसकी बॉर्डर रेडियस कितनी हो चुकी है, 2 पिक्सल। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको और बढ़ाता हूँ, और बढ़ाऊँगा तो देखो यहाँ पे शेडो वगैरह प्रॉपर आपको दिख रही है। ठीक है, ये बेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसको हम 6 पिक्सल पे यहाँ पे इसको हम सेट कर लेते हैं, और इसको हम जल्दी से रन करते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, बॉक्स शेडो कैसे काम करते हैं, टेक्सचर शेडो कैसे काम करते हैं। ये बहुत ही, जैसे कि वेबसाइट में आपको छोटे छोटे से जो हमारे कंटेंट रहते हैं, छोटे छोटे जैसे जो हमारे बॉक्स रहते हैं, उस पर आप ये शेडो प्रॉपर्टी इजीली अप्लाई कर सकते हो, और काफ़ी कलरफुल रहेगा, मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वेबसाइट में। तो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, ये वीडियो कैसा लगा सबसे पहले तो आप इसको लाइक जरूर कर लेना, एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। ठीक है, और आप आपके दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।